बड़ी हंसी आ रही है। ये हंसी नहीं कैफियत है मुस्तफा भाई, मेरे दुश्मन बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बेवकूफ नहीं, ये खेल मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरा जख्म बड़ा और पुराना है। तुझे पता है तूने अभी तक जो काम भी किया है वो आसान इसलिए था क्योंकि अमीन कुरैशी और उसकी फैमिली का एतमाद था तेरे साथ, मगर अब ऐसा नहीं है, चीजें बदल गई हैं। अब अरसल और अस्मा तेरे रास्ते में गड्ढे जरूर खोदेंगे। क्या रवैया था ये तुम्हारा, और ये कौन सी दोस्त है जिसकी नाराजगी में तुम अपनी तमीज ही भूल गए? मैं आवाजें दे रही हूँ, देखा था ना तुम्हारी पप्पा बैठी है, क्या सोच रही होंगी अब तुम्हारे बारे में? अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है मेरे बारे में। फर्क पड़ता है इमल, वो सिर्फ तुम्हारी फुफो नहीं होने वाली सास भी है, और तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम्हारे आने वाली जिंदगी में मुश्किलात होंगी, क्यों नहीं समझती तुम? जिस कल में आप मुझे जबरदस्ती धकेलना चाह रही है ना, नहीं जाना चाहती मैं उधर। जबरदस्ती? तुमने ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा। अब कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम नहीं कह रही बल्कि कोई और बोल रहा है? मैं ही हूँ ये मेरी वो आवाज है जो आपके प्रेशर में दब गई थी। तो भाई ये जो खुशी है ना, ये बड़ी आरजी सी है मेरी जिंदगी में। अब देखो ना, मेरा भी हक बनता है कि मैं खुशी मनाऊं। अगर आज मैं अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास चला गया तो आ गए दोनों अरसनल अहमद, सारा माहौल बदल दिया, सारा मजा गिर गिरा कर दिया, यूं हालात बदल दिए। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं अम्मी, मैं किसी और को नहीं पसंद करती, मुझे बस शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करना चाहती? या अरसल के साथ कोई प्रॉब्लम है? किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। अस्मा ने जो किया क्या वो कम था? जो ये सब कुछ अब हमें तुम्हारे मुंह से सुनना पड़ रहा? मैं घर से नहीं भाग रही, जो अस्मा ने किया अगर वो मैंने किया होता ना, मैं मर जाती। तो तुम भी हमें मार दो, ऐसे भी जो हमारी औलाद हमें सुख दे रही है, रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दफा में जहर दे दो। तुझे अगर मार पड़ी ना कभी, वो सिर्फ मोहब्बत की वजह से पड़ेगी, इससे बच। एक कतरा मोहब्बत नहीं की मैंने कभी जिंदगी में इमल से, और ना ही मोहब्बत का इजहार किया है मुस्तफा भाई। उसने तो की है। क्यों नहीं हमारी बात को समझ रही? तुम्हारी इज्जत का ख्याल कर लो। इज्जत? राइट, बस अगली बार आप आएंगी तो मैं सीधे सीधे डेट दे दूंगी और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बहुत लाड उठा दिया हमने तुम्हारे। अम्मी, जो मशवरा आज दे रहे हो ना मुझे, पिछले 5 साल पे इसी पे तो अमन कर रहा है मुरीद। उसकी मोहब्बत मेरे पीछे पीछे है और मैं आगे आगे। पानी पी, ठंडा हो। मुस्तफा भाई, मुझे लगता है अगला वार करने का वक्त हुआ जाता है। मोहब्बत पीछे पीछे संभाल।